हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। आज हम मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत शॉर्ट ट्रिक्स का पार्ट 4 लेकर आए हैं आप सबके लिए। इससे पहले इस सीरीज़ में हम 3 पार्ट लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये शॉर्ट ट्रिक्स सभी वन डे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं और ये सारी जो वीडियो हैं ये कलाम के अनुसार हैं, यानी कि आपको एक लाइन में मिलेंगी शुरुआत से लेकर एंड तक मध्यकालीन भारत में क्या हुआ है। तो जाइए सभी वीडियोस को देखिए। अब तक इस वीडियो को 3 पार्ट आ चुके हैं सीरीज़ में, ये चौथा पार्ट है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट रहने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर ज़्यादातर एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी अपलोड की जाती है एक्सपर्ट्स द्वारा, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जानेंगे बाबर के शासनकाल के प्रमुख उपलब्धियाँ। तो आज की जो पहली वो है वो ये है, बाबर के शासन काल की प्रमुख उपलब्धियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है आपकी, आपका तो बाबर। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी शॉर्ट ट्रिक है और आसान है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको हर वन डे एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेंगी, चाहे वो RRB NTPC हो, चाहे वो कोई भी वन डे एग्ज़ाम्स हो। कभी कभी ये ट्रिक्स आपको PCS एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहती हैं ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको मैं आ, तो यहाँ पर जो आ है उससे बनेगा आरामबाग। ठीक है फ्रेंड्स, ये आरामबाग बाबर ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? ये आगरा में है, आरामबाग है आगरा में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरी पे, पा। तो पा से क्या है? पा से है पादशाह। तो 1570 ईस्वी में कांधार विजय के समय पादशाह की उपाधि धारण करी थी, 1570 ईस्वी में कांधार विजय के उपलक्ष में, कांधार विजय के उपलक्ष में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं का पर। का, तो का से बनता है यहाँ पर काबुल। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? काबुल में बाबर दफनाया गया, तो ये भी सवाल आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर दफनाया गया था काबुल में। ठीक है, अब बात करते हैं अपना जो है तो पर। तो है तोपखाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत में तोपों का इस्तेमाल करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है। तो तोपों का प्रयोग करना बाबर ने ही प्रारंभ किया था, बाबर ने प्रारंभ किया था तोपों का प्रारंभ करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबर के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियाँ, आपका तो बाबर। तो ये बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपका तो बाबर, आ से आरामबाग, कहाँ है? आगरा में। पास से पादशाह की उपाधि धारण करी बाबर ने कांधार के विजय के उपलक्ष्य में। काबुल, काबुल बाबर को कहाँ दफनाया गया? काबुल में। और तो से तोपखाना, बाबर ने ही सबसे पहले तोपखाने का प्रारंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बाबर के द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाई 16वीं सदी की लड़ाई, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? पानी, ठीक है, पानी पिया, ठीक है, खाना खाया, चंदा देख देख के घर जाकर मर गया बाबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये शॉर्ट ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देख के घर जाकर मर गया बाबर। अब जानते हैं कि इससे क्या क्या तात्पर्य है। तो 1526 में ये सारी इंपॉर्टेंट लड़ाई है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक क्या है बेसिकली? ये एक सेंटेंस होते हैं जो आपके दिमाग में फिक्स हो जाते हैं, एक लय बंद जो कहते हैं। आप ज़्यादातर गाने आपने देखे होंगे, आपको क्यों याद हो जाते हैं? क्योंकि वो लय बंद होते हैं। तो जब जो कोई चीज़ लय बंद होती है तो आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाती है और आपको आसानी से याद हो जाती है। तो 1526 पानी, तो पानी से क्या बना? पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई किससे लड़ी गई थी? बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, कौन सी ईस्वी में? 1526 में लोधी को हराया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं खानवा, जो यहाँ पर है खाना। खाना से क्या बना? खानवा। ये कौन से में हुआ? 1927 में ये युद्ध हुआ, इसे क्या कहते हैं? खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई किससे हुई? खानवा की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को। बाबर ने राणा सांगा को हराया था, राणा सांगा को हराया। ठीक है फ्रेंड, 1927 में। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? चंदा, चंदा मतलब ये हुआ 1528 में, ये हुआ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, ये कब किसके खिलाफ लड़ा बाबर ने? बाबर ने मेदनी राय को हराया, मेदनी राय को हराया। ठीक है फ्रेंड्स, 1528 में। अब आता है घग्गर का युद्ध, तो घर से क्या बना? घग्गर। तो 1529, ठीक है, क्या घग्गर का युद्ध? बाबर ने अफगानों को हराया, बाबर ने अफगानों को हराया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर लास्ट में क्या है? मर गया। तो यानी कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु हो गई। इसे दफनाया कहाँ गया? आरामबाग। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले हमने क्या जाना था कि बाबू पानी पिया, खाना खाया, चंदा देख के घर जाकर मर गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। ऐसे ही वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के हमारे चैनल पर बने रहें। और इस वीडियो के 3 पार्ट हमने पहले ही दे दिए हैं, अगर आप वो आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।